मेरा नाम असर बशीर है, मलंगाम बॉडीपोरा में रहती हूँ। तो मैं GDC बांडीपोरा में पढ़ती हूँ थर्ड सेमेस्टर। तो मैं एक क्रिकेट प्लेयर हूँ, ऑलराउंडर। तो मैं जब मैं यहाँ आई तो फिर इंटर कॉलेज मैच हुए, तो हमारा अभी एक चल रहा है, उसमें हम सेमीफाइनल में पहुँचे। तो फिर हमारी ट्रायल्स हुई कश्मीर यूनिवर्सिटी में, जो 8, 9 और 10 नवंबर के थे। तो हम गए वहाँ पर मेरी सिलेक्शन हुई। सबसे पहले मैं अपने प्रिंसिपल साहब को शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया। उसके बाद अबास सर का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, तौसीफ सर का, और बहुत सारे टीचर्स हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला मुझे यहाँ पर, और मैं अपने घर वालों का भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे जो दोस्त हैं वो भी बहुत सपोर्ट करते हैं। तो इंशाल्लाह मेरी उम्मीद ही है, मेरी ड्रीम ये है कि मैं इंडिया टीम में खेलूँ, वहाँ पर कैप्टन रहूँ। तो फिर मैंने वो बातें नहीं सुनी, समझ वालों की। मुझे अपने घर वालों का सपोर्ट था, अपने भाइयों का सपोर्ट था, तो मैं आगे आई, मैंने उनका नहीं सोचा। मैं बाकी गर्ल्स को भी मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर आप में टैलेंट है वो शो करो, आगे बढ़ो और खेलो। बस थोड़ा ग्राउंड की ये प्रॉब्लम है, इंशाल्लाह ये भी ठीक होगी। बाकी सब प्लेटफॉर्म में अच्छा मिल पाए। बाकी प्लेयर्स कैसे हैं क्रिकेट टीम में? हाँ, बहुत अच्छे, वो भी आए थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर वो भी करेंगे मेहनत, इंशाल्लाह वो भी जाएंगे। इंशाल्लाह मैं उनको सिखाऊंगी, जितना मुझे आता है वो मैं सिखाऊंगी। थैंक यू। नाम इकरा है, मैं भी यहीं HKMGDC बांडीपोरा में हूँ, फर्स्ट सेम। तो हम गए थे वहाँ पे यूनिवर्सिटी ट्रायल्स के लिए, लेकिन मे बी हमारी लैक ऑफ हार्डवर्क की वजह से हमारी सिलेक्शन नहीं हुई। बट मसरत हु प्लेड वेरी वेल, उसकी सिलेक्शन इस वजह से हुई। वो बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड और हार्ड वर्किंग है। उसका हमेशा से ही इसी करियर में फोकस ही रहा है कि मुझे इसी में आगे जाना है। तो उसकी वजह से इसकी सिलेक्शन हुई है, और ये बहुत आगे जाएगी, जस्ट बिकॉज नेसेसरी ऑब्वियसली इस टाइम पे राइट नाउ, क्योंकि मोबाइल फोन्स की वजह से डिप्रेशन, एनजाइटी टू एस्केप फ्रॉम द रियलिटी, लोग पता नहीं क्या क्या नहीं कर पाते। इनफैक्ट बॉयज भी दे आर गोइंग इन अदर वेज, लाइक ड्रग अब्यूज एंड बाकी सब चीज़ों में जाते हैं। लड़कियां भी जाने लगी है उन फील्ड्स में। टू डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम दोज थिंग्स, वन मस्ट गो इन द फील्ड्स लाइक सपोर्ट्स एंड अदर थिंग्स। तो आई बिलीव कि लड़की के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि घर में ही रह के फिर डिप्रेशन का शिकार हो जाती है लड़की। एक ज्यादा तादाद आपने बोला ड्रग्स में, देखिए सपोर्ट्स में ना हम फिजिकली बट हम मेंटली भी हैप्पी रहते हैं। इट्स इम्पोर्टेंट टू बी मेंटली साउंड टू। सो सपोर्ट्स हमें वो प्रोवाइड करता है कि हम मेंटली भी स्टेबल रहे, फिजिकली भी स्टेबल रहे, क्योंकि जिसको जिसमें इट इज नॉट ओनली अबाउट द सपोर्ट, जिसको जिसमें क्या मैसेज रहेगी जो खेलने गए थे वहां पे उनकी सिलेक्शन इस साल नहीं हुई है। इट्स अबाउट द हार्ड वर्क ऑब्वियसली। तो मेहनत करेंगे, आगे जाएंगे, हम भी जाएंगे इंशाल्लाह। तो मसरत को हार्टफेल्ट कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू।